अस्सलामुअलैकुम सब देखने और सुनने वालों को। नहायत दुख और अफसोस की बात है जो मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ। गो कि मेरा चैनल न्यूज़ से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी खबर थी जो मैं आपसे शेयर ना करूँ ये हो ही नहीं सकता। आईबी के रिश्वतखोर अफसर के ख़िलाफ़ सरेआम की टीम का एक स्टनिंग ऑपरेशन हुआ, जिसके बदले में इकरारुल हसन पर बेहिमाना तशद्दुद किया गया। आईबी का वो अफसर नादरा की तस्दीक के लिए घरों में आकर रिश्वत लेता था। सबूत के साथ शिकायत के लिए आईबी ऑफिस जाने वाली टीम सरेआम को यरगमाल बना लिया गया, जिसके बदले में इकरारुल हसन पर बेहिमाना तशद्दुद किया गया। इनके जिस्म के हिस्सों पर करंट लगाया गया। अपनी तरफ से तो इन जालिमों ने इकरारुल हसन भाई को मारकर फेंक दिया, लेकिन मारने से बचाने वाली ज़ात बहुत बड़ी है और हक का साथ देने वालों की कभी मौत नहीं होती, वो मरकर भी जिंदा रहते हैं। अल्लाह पाक ने इकरार भाई को इस जानलेवा हमले से बचाया। उस पाक ज़ात का जिस कदर शुक्र अदा करें वो कम है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है, जिस शख्स के दुश्मन ना हो सब दोस्त हों, इस जैसा मुनाफिक कोई नहीं, क्योंकि दुश्मन उसी के होते हैं जो हक की बात कहता है। अगर हक को पहचान नहीं सकते तो बातिल की तीरों पर नज़र रखो, जहां लग रहे होंगे वही हक है। इकरारुल हसन और इन जैसे नडर शेरों को जो हक और सच की जंग लड़ रहे हैं, अल्लाह पाक हमेशा अपनी हिफाजत में रखे। आमीन। चलो जी, तो ये सुबह के तकरीबन 6 बज रहे हैं। लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में अब फाइनली 500 मुख्तलिफ टेस्ट होने के बाद अब इंशाल्लाह अब जा रहे हैं, घर की तरफ जा रहे हैं। भाई बताते हैं आपको किधर जी। ऑल्दो के जी डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं कि आप रुक जाएं, लेकिन मेरा ख्याल है कि घर जरा ज्यादा, क्योंकि मेरा ख्याल नहीं है भाई, लेकिन नहीं मान रहे तो ठीक है, मेरी नहीं, लेकिन उसकी वजह है कि एक जो है जो कंधा था ये तो डिस्प्लेस हुआ है, एक पसली भी टूटी है अभी, जो ये यहाँ के हमने रिपोर्ट करवाई है, और उसके साथ साथ हार्ट पे भी, चूंकि करंट लगाया गया था तो वो दिल की जो ECG की रिपोर्ट है वो भी नॉर्मल नहीं है। बहरहाल मुझे लग रहा है कि मैं ज़रा घर पे ज़्यादा कम्फर्टेबल हूँ, तो इंशाल्लाह भी घर जा रहे हैं। आप लोग दुआ कीजिए, ECG की जो तफसीली रिपोर्ट है वो बाद में आएगी, फिर उसकी बुनियाद पर इंशाल्लाह अगर खुदा ना खास्ता जरूरत पेश आती फिर अब इंशाल्लाह। लेकिन वसीम भाई, सारिफ भाई, सारे इस वक्त सुबह के 6 बजे यहाँ पे मौजूद है। अल्लाह ताला इन सबको सलामत रखे, शाद और आबाद रखे। सिमे आई लव यू। खैर, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह ताला आपको खैर। आप लोग दुआओं में याद रखें और बाकी इंशाल्लाह खैर होगी इंशाल्लाह।